पाकिस्तान की फुटबॉल में टीम है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं। नहीं है। नहीं 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 है। नहीं नहीं, कभी नहीं देखी। इंटरनेशनली नहीं है, आज तक नहीं देखी। रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान की टीम है, वो भी 1947 से। मैं नहीं मानता। आप सोच रहे होंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन ये सच है। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त है कहाँ। 1950 से 1965 ये इरा पाकिस्तान फुटबॉल का गोल्डन दौर था, जब अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, सोवियत यूनियन और जर्मनी जैसी टीमें पाकिस्तान आई, जिसके बाद 1987 में भारत में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। 2 साल बाद ही पाकिस्तान में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल भी जीत लिया। बानिए पाकिस्तान जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पहले पैटर्न इन चीफ थे। पाकिस्तान ने 48 में ही फीफा की रिकग्निशन भी हासिल कर ली थी, और तो और पाकिस्तान एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का फाउंडिंग मेंबर भी है। मगर बाहों से खेलने वाला ये गेम पाकिस्तान में कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। फुटबॉल की दुनिया में पाकिस्तानी टीम के पास ऐसा बदतरीन रिकॉर्ड है जो दुनिया में किसी भी टीम के पास नहीं है। पाकिस्तान 1989 से फीफा के क्वालिफाइंग मैचेस खेलता आ रहा है, लेकिन वो एशिया का वाहिद मुल्क है जो आज तक वर्ल्ड कप, तो क्या वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मैच तक नहीं जीत सका। अगर पाकिस्तान में फुटबॉल की मकबूलियत की बात करें तो 2014 का वर्ल्ड कप तकरीबन 15 मिलियन पाकिस्तानियों ने देखा था, जो एशिया की 8वीं बड़ी ऑडियंस है। कराची का इलाका लियारी तो मिनी ब्राजील के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ना तो इस जज्बे को टीवी पर दिखाया जाता है और ना किसी सियासतदान का ध्यान इस तरफ जाता है। तेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि तू इतने सवाल पूछे। मगर जहाँ बात हो फुटबॉल खेलने की, तो पाकिस्तान हमेशा पीछे रहता आ रहा है। इतना पीछे कि फीफा रैंकिंग में 211 ममालिक में पाकिस्तान इस वक्त 194 नंबर पे है। No! अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में कोई टैलेंट की कमी हो। अगर कहीं कोई कमी है तो वो है सिस्टम की, जिसे कभी ठीक करने की कोशिश तक नहीं की गई।